संगठन में चले जाने के कारण मंत्रिमंडल से शिफ्ट हुए 3 मंत्रियों गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर रघु शर्मा और हरीश चौधरी का क्या आप भविष्य देखते हैं के बारे में? हाँ, उनका भविष्य उज्ज्वल है तीनों का। डोटासरा की बात हम कर लें पहले, जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनको मंत्री जाने का कोई दुख नहीं है किसी तरह से, और वो मास्टरों का डिपार्टमेंट था, टीचर्स का डिपार्टमेंट था, उनको बिल्कुल ही अफसोस नहीं इस बात का। वो पीसीसी चीफ हैं, आज सोनिया गांधी से मिले हैं, गदगद हैं वो, और वो भी क्या सेंट्रल लीडरशिप में आ गए हैं एक तरह से इस सारे क्राइसिस में। उनकी फ्रीक्वेंट मीटिंग होने लगी, अजय माकन के साथ, वेणुगोपाल के साथ, वहाँ के साथ। पहले मीटिंगें केवल गहलोत साहब के लेवल पर हुआ करती थी, तो एक दूसरा व्यक्ति आफ्टर अशोक गहलोत राज्य में डेवलप हुआ इस तरह से, ही इज़ हैप्पी, नो रिग्रेट्स। सेकेंड बात रही हरीश चौधरी की, उनकी वैसे भी इच्छा थी, कुछ ऐसे पॉलिटिकल कारण रहे होंगे, वो राजस्थान छोड़ना चाहते थे मंत्रालय अपना जो है, और दिल्ली में चूंकि राहुल के करीब हैं, रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन उनकी मीटिंग होती है, दिन में दो दो बार भी मिल लेते हैं, इज़ हैप्पी, तो उनको भी कोई रेगुलेट नहीं है। रघु शर्मा की बात है, वो दुविधा में थोड़ा हो सकते हैं, कभी कोई मन में हुक आती होगी कि यार मंत्री थे तो अच्छे थे, अब यहाँ कहाँ आ गए, लेकिन उनका पॉलिटिकल एलिवेशन हुआ है, इतना ज़बरदस्त हुआ है, नाउ इज़ इन डायरेक्ट एक्सेस विद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गुजरात जैसी स्टेट का चार्ज दिया है, और जितने जुझारू किस्म के वो खांटी किस्म के कार्यकर्ता है, उससे हो सकता है गुजरात में कुछ कर भी गुजरे दैट वे जो है। तो रघु शर्मा का भी कोई रेग्रेट वाली बात नहीं है, उनका ये कहना था कि मुझे जिम्मेदारी देते करता हूँ, राज भोगा, 3 साल तक अच्छा राज चलाया, ठसके से रहे यहाँ पे जो है, और कोई अफसोस उनको भी हो। तो कुल मिला क्या है कि इट्स ए वेलकम डिसीजन फॉर एवरीबडी, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, और किसी को रेग्रेट नहीं होना चाहिए।